हेलो गाइज, सेविंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। LIC का दोस्तों सबसे बेस्ट सक्सेसफुल प्लान LIC जीवन लाभ प्लान, जिसका टेबल नंबर है 936। और इस प्लान में दोस्तों आपको सिर्फ 10 किस्तें भरनी है, उसके बाद मैच्योरिटी पर आपको 13,12,000 रुपये का जो कि बड़ा अमाउंट मिलेगा। और ये मैच्योरिटी दोस्तों आपको जो गारंटीड मिलेगी, क्योंकि LIC का ये प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी किसी भी तरह से शेयर मार्केट से जो जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर आप दोस्तों आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए या फिर टैक्स सेव करने के साथ साथ कोई भी आपका फ्यूचर गोल आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप सिर्फ सेविंग पर्पस से LIC की एक बेहतरीन पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए दोस्तों LIC जीवन लाभ एक आइडियल पॉलिसी प्लान है। साथ ही दोस्तों ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम प्लान का मतलब है कि जितने साल की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उससे यहाँ पर कम टाइम तक ही है जो आपको प्रीमियम भरना होगा। मान लीजिए आपने 16 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 साल ही है जो प्रीमियम पे करना होगा। आगे वीडियो में समझेंगे। इसमें LIC दोस्तों अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विजिटेड सिंपल रिविजनरी बोनस और जो फाइनल एडिशन बोनस बनता है वो प्रोवाइड करता है। दोस्तों सबसे पहले हम LIC जीवन लाभ प्लान 936 की जो एलिजिबिलिटी है और कुछ शर्त है कंडीशन है उसको देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि कितना कितना सम एश्योर्ड लेने पर मैच्योरिटी और जो बोनस है वो आपको कितना मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों बात करें पॉलिसी टर्म की, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 16 साल, दूसरा 21 साल और तीसरा है 25 साल। यानी आप 16 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, 21 साल के लिए ले सकते हैं या फिर आप 25 साल के लिए जो इस पॉलिसी को अपनी एज के हिसाब से जो ले सकते हैं। बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो मिनिमम एज एट एंट्री सिर्फ 8 वर्ष है, यानी दोस्तों आप अपने 8 साल तक के बच्चों के नाम भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं मैक्सिमम एज की बात करें तो वो अलग अलग है। 16 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर 59 ईयर होनी चाहिए, जबकि अगर आप 21 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसके लिए 54 ईयर है, जबकि 25 साल के पॉलिसी टर्म लेने के लिए आपकी जो अधिकतम एज है वो 50 साल की होनी चाहिए। बात करें सम एश्योर्ड की, तो तीनों ऑप्शन के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड आप 2,00,000 रुपये का ले सकते हैं। वहीं मैक्सिमम आप तीनों ऑप्शन में चाहे जितने का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, उसकी कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। अगर हम दोस्तों बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में, तो 16 साल की पॉलिसी लेने पर आपको सिर्फ 10 साल ही है जो प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं 21 साल की पॉलिसी टर्म पर सिर्फ 15 साल ही है जो प्रीमियम देना होगा, जबकि अगर आप 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर मात्र 16 साल ही है जो प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यानी कि आप चाहें तो मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली या फिर साल में आप एक बार है जो अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको मान लीजिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, तो दोस्तों आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर लोन का अमाउंट कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म पर। साथ ही दोस्तों आपकी पॉलिसी को भी यहाँ पर है जो 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 2 साल के बाद आप लोन के लिए है जो एलिजिबल होंगे। वहीं यहाँ पर पॉलिसी सरेंडर की बात करें, तो 2 साल तक फुल प्रीमियम भरने के बाद आप कभी भी अपनी पॉलिसी को है जो क्लोज करके जो सरेंडर वैल्यू है वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों आपको है जो लॉस देखने को मिलता है। राइडर की बात करें तो इसमें आपको 5 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से दोस्तों कोई भी आप एक है जो चूज़ कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पर LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा दोस्तों LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इन 5ों में से आप दोस्तों एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर बेनिफिट है जो ले सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो कभी भी मान लीजिए किसी मंथ में आपका ड्यू हो जाता है तो आपको दोस्तों मंथली के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। वहीं ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड चुना हुआ है अगर आपने, तो यहाँ पर अगर आपका प्रीमियम ड्यू हो गया है तो आपको दोस्तों 30 दिन तक का जो समय मिलता है, यानी अगर आप 30 दिन के अंदर अपना जो प्रीमियम वो पे कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं लगेगा। वहीं यहाँ पर दोस्तों टैक्स की बात करें, तो इस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे उसमें इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत है जो आपको छूट मिलेगी, और मैच्योरिटी या फिर दोस्तों डेथ केस में नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो भी यहाँ पर है जो इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के तहत है जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी एज है 35 ईयर, आपने दोस्तों सम एश्योर्ड लिया है 5,00,000 रुपये का। अब यहाँ पर आपने पॉलिसी टर्म लिया है 16 साल के लिए, तो फिर दोस्तों आपको 10 साल तक ही है जो
प्रीमियम पे करना होगा। इसमें प्रीमियम मोड अगर आप मंथली चुनते हैं तो दोस्तों हर महीने आपको 3,669 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा, जबकि अगर आप ईयरली मोड चुनते हैं तो हर साल आपको 43,140 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा अगले 10 सालों तक, जिससे 10 साल में टोटल आपका जो प्रीमियम जमा होगा वो 4,32,350 रुपये का। जब पॉलिसी के दोस्तों 16 साल पूरे हो जाएंगे तो मैच्योरिटी पर आपको सबसे पहले सम एश्योर्ड का 5,00,000 रुपये, उसके बाद बोनस 3,20,000 रुपये, उसके बाद फाइनल एडिशन बोनस 12,500 रुपये, यानी टोटल तीनों मिलाकर दोस्तों आपको 8,32,500 रुपये की जो मैच्योरिटी मिलेगी। चलिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यानी 21 साल की पॉलिसी टर्म का देख लेते हैं। तो 21 साल की पॉलिसी टर्म लेने पर आपको सिर्फ यहाँ पर 15 साल ही है जो प्रीमियम देना होगा, जिसमें अगर आप दोस्तों मंथली प्रीमियम मोड है जो चुनते हैं तो आपको हर महीने 2,336 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा। वहीं आप ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो फिर आपको दोस्तों हर साल 27,857 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा अगले 15 सालों तक, जिससे जो आपका टोटल प्रीमियम भरेगा वो यहाँ पर 4,18,468 रुपये का। और जब दोस्तों 21 साल बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड 5,00,000 रुपये प्लस बोनस 4,62,000 रुपये प्लस फाइनल एडिशन बोनस 50,000 रुपये, यानी दोस्तों तीनों मिलाकर 10,12,000 रुपये की जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तीसरे पॉलिसी टर्म यानी 25 साल के टर्म की बात करें तो इसमें प्रीमियम आपको 16 साल तक है जो पे करना होगा, जिसमें अगर आप मंथली पे करना चाहें तो हर महीने आपको दोस्तों 2,021 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा। वहीं ईयरली अगर आप पे करना चाहें तो हर साल आपको 23,774 रुपये का जो प्रीमियम देना होगा अगले 16 सालों तक, और 16 साल में आपका टोटल प्रीमियम जमा होगा 3,80,907 रुपये का। और जब दोस्तों 25वें साल आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी तब मैच्योरिटी के रूप में यहाँ पर सम एश्योर्ड का 5,00,000 रुपये प्लस बोनस 5,37,500 रुपये प्लस फाइनल एडिशन बोनस 2,25,000 रुपये, यानी दोस्तों तीनों को मिलाकर टोटल 13,12,500 रुपये की जो एक हाई मैच्योरिटी मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट टेबल आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग पॉलिसी टर्म के साथ यहाँ पर तीनों ऑप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है, तो आप वीडियो रोक कर इस टेबल को पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो भी आपको कैलकुलेशन बताई है वो LIC के करंट बोनस रेट के बेस पर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही LIC दोस्तों बोनस रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अकॉर्डिंग है जो आपको बोनस और मैच्योरिटी बनेगी। वीडियो के एंड में दोस्तों बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। तो पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी चलने के दौरान यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी कोई भी आपके साथ अनहोनी होती है तो सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितने साल की पॉलिसी आपकी चली होगी उसी के हिसाब से बोनस भी है जो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी LIC पॉलिसी जीवन लाभ 936 की कंप्लीट जानकारी। अगर इसमें आपका कोई भी सवाल डाउट रह गया है तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर है जो DM कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नई नई वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching.